यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजीपी का उद्घाटन तो कर दिया है, लेकिन उद्घाटन होने के बाद भी केजीपी हाईवे में काफी कमियां हैं और केजीपी पर मौजूद कमियों के कारण इस हाईवे पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। हाईवे को शुरू हुए अभी तक एक महीना भी नहीं हुआ है कि चोर हाईवे से लाखों रुपए का सामान चुरा कर ले गए हैं। और इतना ही नहीं, हाईवे पर सोलर पैनल का काम भी पूरा ना होने के कारण रात के समय पूरे हाईवे पर अंधेरा रहता है। लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया हाईवे अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। वहीं हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर की माने तो पीएम की ओर से हाईवे का उद्घाटन करने के चक्कर में जल्दी जल्दी में काम ठीक से नहीं हो पाया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से इस केजीपी सड़क का बुरा हाल हो गया है, हालत खस्ता हो गई है। जो सोलर पैनल लगाए गए थे सरकार के द्वारा, वो भी चोरों के द्वारा उखाड़ कर ले जाए गए हैं और रात में अंधेरा होता है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीन बार यहां से सोनीपत से मेरठ तक जाने का मौका मिला इस केएमटी एक्सप्रेसवे पे। किसी भी तरह का आते टाइम कोई पुलिस प्रशासन, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मुझे इस पे नहीं मिला। कोई एम्बुलेंस, किसी तरह की मेडिकल सुविधा इस पे नहीं है। इस पे आने जाने वाले आदमी अपनी खुद रक्षा करते हैं। किसी चोर चक्कों का इतना भय है, चलते गाड़ी को रोक लेते हैं, लूट लेते हैं। पिछले दिनों 1 करोड़ रुपए की इस पे लूट हुई।